हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है और साथ में कई लोगों के मन में डाउट है क्या हम फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड को पता कर सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं अपना पासवर्ड और आपको पता करना है कि आपका पासवर्ड क्या है तो क्या इसके पता किया जा सकता है, तो इस डाउट को मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो पे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है और आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के बाद पासवर्ड आप लोगों को कैसे चेंज करना है, कैसे पता करना है, सारा डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ राइट कॉर्नर साइड में थ्री डॉट दिखेगा, थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे चले जाना है और सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद फिर से सेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर फिर एक बार क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ दिखेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेकंड नंबर पे, यहाँ पर पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन के नीचे जस्ट दिखेगा आप लोगों को पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। तो मैं आप लोगों को एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, कई सारे वीडियो ऐसे यूट्यूब पर बने हुए हैं कि अपना पासवर्ड को आप भूल गए हैं तो उसको रिकवर कर सकते हैं और उसी पासवर्ड से अपन अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कोई भी ट्रिक एंड टिप्स नहीं है कि जिससे आप लोग अपना पासवर्ड को याद कर पाओ या आप लोगों को रिकवर कर पाओ अपना पासवर्ड को। तो जो भी है आपको पासवर्ड आपको चेंज ही करना होगा, ठीक है दोस्तों। मैं इस वीडियो में वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ क्योंकि जेन्युइन टिप्स एंड ट्रिक्स ही हमारे चैनल पर दिया जाता है, हमारे वीडियो पर। ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं जिससे अपना पासवर्ड को आप रिकवर कर सकते हैं, पासवर्ड आप लोग चेंज कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस को हम आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ दिखेगा आपको लॉगिन के बाद चेंज पासवर्ड, ठीक है। तो चेंज पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और रीटाइप न्यू पासवर्ड। तो यहाँ आप लोगों को अगर करंट पासवर्ड आपको पता है, जो भी आपका फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड है आपका, और अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड नया रखना चाहते हैं तो यहाँ पर करंट पासवर्ड देकर, न्यू पासवर्ड करके, फिर से वही पासवर्ड देकर अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना अपडेट कर सकते हैं पासवर्ड को, ठीक है। और लेकिन अगर आप लोगों को पासवर्ड याद नहीं है, आप लोग भूल चुके हैं अपना फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड जो है, तो उसको कैसे आप लोगों को ओपन करना है? अगर आप लॉगिन कर रहे हैं जीमेल या फ़ोन नंबर डाल के अपना फेसबुक अकाउंट को, तो भी ये ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप लोगों को। पासवर्ड आप जैसे इंटर करेंगे तो ये आप लोगों को इनकरेक्ट पासवर्ड बताएगा या कोई भी चीज़ बताएगा, लेकिन आप लोगों के यहाँ पर नीचे देखिए फॉरगेटन पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखेगा। आप चाहे लॉगिन करेंगे या तो पासवर्ड चेंज करेंगे, तो दोनों जगह यहाँ फॉरगेटन पासवर्ड दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है सीधा। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जिस फेसबुक अकाउंट को आप जिस जीमेल से बनाए हैं वो जीमेल आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग का अक्षर जो है शब्द है वो दिखेगा और लास्ट का जो शब्द है वो दिखेगा। तो यहाँ पर मैं समझ गया हूँ कि ये मेरा कौन सा जीमेल आईडी है, आप लोग अपना समझ जाइएगा कि ये कौन सा जीमेल आईडी है मेरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों को जिस जो जीमेल यहाँ पर देखे हो आप उसी जीमेल में 6 नंबर का एक कोड आएगा। तो मैं अपने जीमेल में चले जाता हूँ, यहाँ देखिए जीमेल एप्लीकेशन में ओपन करता हूँ, थ्री डॉट पर जाता हूँ और अपडेट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ और एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को मैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर फेसबुक की तरफ से एक मैसेज आ चुका है जो कोड है हमारा। तो ये कोड यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से आपको कोड दिखेगा, इस कोड को आप याद कर लेना या नोट कर लेना। तो यहाँ जो कोड है मैंने वो टाइप कर चुका है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ देखिए एक नया पासवर्ड आपसे यहाँ पर मांग रहा है, इंटर ए न्यू पासवर्ड, क्रिएट ए न्यू पासवर्ड। तो जो पासवर्ड आप लोग नया रखना चाहते हैं यहाँ पर वो पासवर्ड आप लोग को इंटर करना है, तो मैं इंटर कर लेता हूँ नया जो पासवर्ड मुझे रखना है। यहाँ पर मैंने अपना न्यू पासवर्ड डाल लिया है और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक डब्बे टाइप का आप लोगों को एक आइकॉन दिखेगा, उस पर आपको राइट क्लिक करना है, मतलब उसको टच करना है। यहाँ पर ब्लू टिक लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या है ये बोल रहा है करके कि अगर आप सभी जितने भी फेसबुक डिवाइस में से लॉग आउट करना चाहते हैं अपने अकाउंट को, तो यहाँ टिक लगाकर नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक करिएगा और वैसे ही आप लोगों को देखिए यहाँ पर पासवर्ड चेंज का एक ऑप्शन आ जाएगा, रिव्यू अदर डिवाइस स्टे लॉग इन। तो यहाँ पर मैं स्टे लॉग इन पर कंटिन्यू करता हूँ और ओके पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर जो है हमारा जो अकाउंट है वो बनकर तैयार हो चुका है और जो हमारा फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है वो हमने चेंज कर लिया है सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना जो पासवर्ड है आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और कुछ भी डाउट है, आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, मैं जरूर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूँगा आप लोगों को। और कोई अदर वीडियो आप अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जो बहुत जल्द ले आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा यार, ठीक है। और इसी तरह की मैं इंटरेस्टिंग और जेन्युइन वीडियो आप लोगों के लिए कंटिन्यू लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।